स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, हमें डिवीजन मेथड से बताना है। ओके, अदरवाइज तो हम लोग इसके जीरो निकाल के इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, बट हमें डिवीजन से बताना है। तो डिवीजन में क्या रहेगा स्टूडेंट, हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो यस इट्स द जीरो, ये इसका फैक्टर है, और नहीं आया तो नहीं है। सिंपल, चलो करते हैं शुरुआत। 3x की पावर 4, डिवीजन से पहले खास ध्यान रखना है कि इनकी जो हर टर्म्स की जो एक्सपोनेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ इसकी एक्सपोनेंट 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और कॉन्स्टेंट टर्म की एक्सपोनेंट 0 होती है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको भी चेक कर लेते हैं, 2, 1, 0, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन्स वी कैन डिवाइड देम। 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। ओके, हमें चाहिए 3x की पावर 4 और हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इट मींस हमारे पास कमी है 3x स्क्वायर की, एक तो 3 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 चाहिए और एक्स स्क्वायर है, इट मींस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 देंगे हमें, तो 3x स्क्वायर को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, और यहां पे इनकी वैल्यूज लिख देंगे, तो 3x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर कितना बन गया स्टूडेंट्स 3x की पावर 4, ये हमेशा सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आ रहे तो हमारी डिवीजन गलत है कहीं ना कहीं। 3x की पावर 4, अब इससे करो 3 3 9 x क्यूब, क्यूब के नीचे लिखना है 3 3 9 x क्यूब, 3 की 1 के साथ 1, मतलब 1 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 3, 3x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर के नीचे लिखो प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहले वाला हमेशा कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो डिवीजन गलत है स्टूडेंट, टारगेट ये रहता है कि पहले वाला कटे। हां जी, माइनस 9x क्यूब एंड प्लस 5x स्क्वायर, तो माइनस 9x क्यूब में से 5x स्क्वायर, माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 10, x स्क्वायर, ऊपर वालों के साइन चेंज नहीं कर रहे, उनको एज इट इज उतार लेना, सारा मटेरियल उतार लेना जो भी ऊपर है, चाहे कोई भी हो, सिंपल डिवीजन की तरह नहीं कि हर बार एक डिजिट उतारेंगे, नहीं, सारे टर्म्स नीचे ले आओ। अब हमें चाहिए माइनस 4x क्यूब और हमारे पास है एक्स स्क्वायर, मीन्स कमी किसकी है, माइनस 4x की, अगर हम लोग माइनस 4x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आएगा, हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी पहली टर्म मैच हो जाए और ताकि वो कट जाए, तो माइनस 4x की इससे करो माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, माइनस 4x की प्लस 3x से करो 4 3 12 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x की प्लस 1 से माइनस 4x प्लस प्लस प्लस, नीचे वाला का साइन चेंज। हां जी, ये हमेशा कटेगा, नहीं कट रहा है तो गलत है, माइनस का 10 प्लस का 12, माइनस का 10 प्लस का 12 2 बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस का 2 प्लस का 4, 2 और 4 6x प्लस 2। ओके, हां जी, हमें चाहिए, हमें तब तक डिवाइड करता रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए या इससे कम डिग्री ना आ जाए, हमें 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सारे कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट्स जीरो, तो अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो ये इसका फैक्टर है, तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला एज रिमाइंडर इज जीरो, अगर नहीं होता तो हम बोल देते इट्स नॉट फैक्टर, एज रिमाइंडर इज जीरो, तो हमने कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये इसका फैक्टर है। यस,
ओके स्टूडेंट्स, डिवीजन से हमें पता चलेगा रिमाइंडर जीरो आया तो इसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। थैंक यू।